नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। अक्टूबर में तैयार होगी कालका शिमला एनएच पर दूसरी टनल। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर कंडाघाट में निर्माणाधीन दूसरी टनल का कार्य अक्टूबर में पूरा हो जाएगा। इसकी लंबाई 667 मीटर होगी। इसके बनने के बाद कंडाघाट बाजार में जाम से निजात मिल जाएगी। इन दिनों निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। निर्माणाधीन टनल फिलहाल वन वे रहेगी। एक और से टनल का पोर्टल फ्लाईओवर से जोड़ा जाएगा। फ्लाईओवर का निर्माण कार्य भी इन दिनों चल रहा है। नवम्बर के अंत तक राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण टनल को ट्रायल के तौर पर कुछ दिनों के लिए खोला जाएगा। हिमाचल में 78 डॉक्टरों के तबादला और तैनाती आदेश जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 78 डॉक्टरों के तबादला और तैनाती के आदेश जारी किए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार डॉक्टरों को तैनाती के नए स्थान पर तुरंत ड्यूटी ज्वाइन करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में सचिव स्वास्थ्य एम सुधा देवी की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। बारिश और बर्फबारी न होने से मायूस हुए बागवान, अर्ली फ्लावरिंग बन सकती है बड़ी मुसीबत। विशेषज्ञों ने दी ये खास राय। बारिश और हिमपात न होने से किसान बागवानों में मायूसी छाई है। समूचे जिला कुल्लू में जनवरी माह में भी बारिश की एक बूंद तक नहीं बरसी है। हिमपात और बारिश न होने से जमीन से नमी पूरी तरह से गायब हो गई है। इसके चलते किसानों और बागवानों की परेशानियां बढ़ गई हैं। अब बागवानों को अर्ली फ्लावरिंग का डर सताने लगा है। गुठलीदार फलों में कुछ समय बाद फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाती है। फरवरी में होने वाला हिमपात से गुठलीदार फलों को नुकसान पहुंचता है। दिसंबर और जनवरी में हुए हिमपात का असर जमीन में लंबे समय तक रहता है। फरवरी में होने वाला हिमपात भारी होता है। ऐसे में सभी बागवान मौसम की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। किसान बागवान खेती बाड़ी और बागवानी से संबंधित कार्य नहीं कर पा रहे हैं। इन दिनों जमीन से नमी गायब है। एनपीए नहीं देने से चिकित्सकों में आक्रोश। रेजिडेंट डॉक्टरों ने भी काले बिल्ले लगा कर दी ड्यूटी। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज की रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन और फैकल्टी ने भी काले बिल्ले लगाकर ड्यूटी दी। डॉक्टरों का कहना है कि वह 7 फरवरी तक सरकार के आदेशों का इंतजार करेंगे, इसके बाद ही अनेक कदम उठाएंगे। हिमाचल चिकित्सा अधिकारी संघ के महासचिव डॉक्टर विकास ठाकुर ने कहा कि हिमाचल चिकित्सा अधिकारी संघ की अगुवाई में जिला शिमला में 350 के करीब डॉक्टर नॉन प्रैक्टिस अलाउंस नहीं देने समेत विभिन्न मांगों को लेकर विरोध स्वरूप काले बिल्ले लगाकर ड्यूटी दे रही है। अब इस आंदोलन में आईजीएमसी की आरडीए और फैकल्टी भी जुड़ गई है। कांगड़ा व चंबा के दो लोगों से 15,41,000 रुपए की ठगी। शातिरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम। साइबर क्राइम थाना धर्मशाला में कांगड़ा व चंबा जिला के दो लोगों से 15,41,000 रुपए की ठगी करने के मामले दर्ज हुए हैं। शातिरों ने कांगड़ा जिला के व्यक्ति से 9,68,000 रुपए जबकि चंबा जिला के व्यक्ति से 5,73,000 रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार पहले मामले में कांगड़ा जिला के ज्वाली क्षेत्र निवासी हरिचंद को शातिर ने फोन कर बताया कि वो अपने घर में टाइलों का काम कर चुका है तथा उन्हें जानता है। शातिर ने व्यक्ति को झांसे में लेते हुए कहा कि वो किसी को ऑनलाइन पैसे भेज रहा था लेकिन ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रही है। इस दौरान पीड़ित ने छात्र की बातों में आकर उसको पैसे भेज दिए। छात्र की ओर से हरिचंद को उसके खाते में पैसे जमा करवाने के भी झूठे मैसेज भेजे गए। हरिचंद ने लगभग 35 ट्रांजेक्शन के जरिए छात्र को 9,68,416 रुपए भेज दिए। जब हरिचंद ने उसके घर में टैलो को काम करके गए व्यक्ति से जाकर पूछा तो उसने पैसे लेने के बारे में कोई जानकारी न होने की बात कही। ठगी का एहसास होने के बाद हरिचंद ने साइबर क्राइम थाना में मामला दर्ज करवाया। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल में शुरू किया गांव चलो अभियान। कहा यहां की सभी सीटें जीतकर पीएम को करेंगे मजबूत। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में प्रदेश की चारों सीटों को जीतने की रणनीति बनाई हुई है। सोमवार को हमीरपुर से गांव चलो अभियान कार्यक्रम शुरू किया है। अभियान के तहत हुई कार्यशाला में पूरे प्रदेश से 400 से अधिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यशाला में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल तथा संगठन महामंत्री सिद्धार्थ ने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। हिमाचल में हेली टैक्सी सेवाएं देने 3 कंपनियां आई आगे। हिमाचल में हवाई सेवाएं शुरू करने के लिए 3 नामी कंपनियों ने हामी भरी है। उड़ान 2 के तहत नॉन शेड्यूल कंपनियों से आवेदन मांगे थे। कंपनियों ने चंडीगढ़ से पालमपुर, धर्मशाला, चंबा, किन्नौर, रिकांगपिओ तक हवाई सेवाएं देने की बात कही है।
अभी केंद्र सरकार की ओर से कंपनियों को रूट अवार्ड किए जाने हैं। हिमाचल में नवंबर से हेली टैक्सी सेवाएं बंद है। जिस कंपनी को काम सौंपा था उसका समय पूरा हो चुका है। सूत्र बताते हैं कि हवाई सेवाओं के लिए पवन हंस और ग्लोबल वेक्ट्रा जैसी नामी कंपनियां आगे आई हैं। ये सेवाएं चंडीगढ़ वन से पालमपुर, धर्मशाला और चंबा चंडीगढ़ से बद्दी और रिकांगपियो के बीच शुरू होंगी। वहीं एक अन्य कंपनी ने धर्मशाला, पालमपुर, चंबा, रक्कड़ रूट के लिए अप्लाई किया है। शिमला शहर में संजौली और सोलन में बद्दी हेलीपोर्ट से भी सेवाएं शुरू की जाएंगी। डोलू नाला में पहाड़ी दरकी, कुल्लू मनाली हाईवे बंद, लगा लंबा जाम। जिला मुख्यालय कुल्लू और पर्यटन नगरी मनाली के बीच स्थित रायसन के समीप डोहलू नाला में पहाड़ी दरकी है, जिसके कारण पत्थर और मलबा कुल्लू मनाली हाईवे पर आ गिरा है। हालांकि पहाड़ी से पत्थर गिरने का क्रम जारी है। इससे हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई है। हाईवे वाहनों की आवाजाही के लिए बंद पड़ा है। सुबह के समय पहाड़ी से मलबा हाईवे पर गिरने से कुल्लू और मनाली जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वाहनों की आवाजाही न होने की वजह से स्कूली बच्चों को अधिक परेशानी हुई है।